देखिए, बस कोड का जो व्यवस्था है पूरे देश में लागू किया गया है, लेकिन जिन राज्यों में बस कोड बॉडी बिल्डर को निर्गत नहीं किया गया है, वो राज्य जो है पुनः केंद्र सरकार से 1 साल का एक्सटेंशन ले लिया है कि नहीं भाई, ये कानून हम लोग 1 साल के बाद लागू करेंगे। हम लोग भी यही चाह रहे थे कि जो हमारे यहाँ कानून लागू हुआ है 5/7/2018 को, तो उसके पूर्व की गाड़ियाँ जो खरीदी गई हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि वो जाने अनजाने में जो बॉडी बना है वो कहीं बस मालिक उसमें दोषी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ राज्य सरकार को पता नहीं कहाँ परेशानी आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देश का ये भी राज्य है, अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, हमारे यहाँ केवल नई बसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस पर सरकार कुछ न कुछ निर्णय ले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। माननीय मंत्री के द्वारा आश्वासन मिला है कि हम लोग इसको पुनः कैबिनेट में ले जा रहे हैं, कुछ न कुछ इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर सर सरकार कुछ ऐसी पहल नहीं कर पाती है, तो उपाय नहीं निकाल पाती है, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे सर? देखिए, सरकार को समझ नहीं आ रहा है, अभी भी बहुत सारे बस मालिक जो हैं यहाँ से पलायन कर चुके हैं, दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करा के गाड़ी का परिचालन कर रहे हैं, राजस्व का भारी नुकसान राज्य को हो रहा है। हम लोग चूंकि इस राज्य के निवासी हैं और हम लोग का सारा व्यापार झारखंड में चल रहा है, हम लोग किसी तरीके से चाह रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन यहीं पर हो, और अगर नहीं होता है तो बाध्य होकर हम लोगों को आंदोलन को दूसरा रूप देना होगा और सारे बसों को खड़ा कर देना होगा, क्योंकि भाई हम लोग कहीं दोषी हैं नहीं, दोषी बनाया जा रहा है। हमारी सभी बस ओनरों को नई बस का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी मुसीबतें हो रही है। गाड़ियां हमारी 8-9 महीने से खड़ी है, तब सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसका जल्द से जल्द विकल्प निकाला जाए, ताकि हम लोग की गाड़ियाँ सड़क में चलने लगे और हम लोग का सुचारू रूप से व्यापार भी ठीक हो सके। अभी व्यापार भी काफ़ी दिक्कत हो गया है, व्यापार भी बंद हो चुका है। नई बसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है सर अभी, और बस ओनर से बसों का रजिस्ट्रेशन के पीछे दूसरा, उसके लिए एक कानून बना है, उसके लिए है कि बॉडी आपको उसी से बनवाना है जिसके पास कोड हो। अब बसें उन लोगों ने जहाँ तहाँ बनवा ली है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारा केंद्र सरकार का कानून मोटर व्हीकल एक्ट, उसके तहत गाइड, उसके लिए भी हम लोग लगे। सर पहले सर यही बॉडी बिल्डर सर बनाते थे इस बसों को? बनाते थे भैया, पहले बहुत कुछ होता था जी। पहले तो दलाल भी बहुत घूमते थे, बिचौलिया भी घूमते थे। मोदी की सरकार आने के बाद दलालों में कमी आई है, बिचौलिया में भी कमी। इस पर सर कब तक सर प्रश्न करेगा कि पहले दलाल लोग थे, दलाल चलते थे क्या? नए नए कानून बनते हैं जिससे आम जनता को उसका लाभ मिले, इसका व्यवस्था मैं बोल रही हूँ।